दिल्ली में मिले मंकी पॉक्स के केस को लेकर दिल्ली सरकार सतर्क है। इसी बीच दिल्ली सरकार के DGHS ने साफ निर्देश दिया है कि सभी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए संबंधित जिला निगरानी इकाई को मंकी पॉक्स के किसी भी संदिग्ध मामले की सूचना देना अनिवार्य है। इसके साथ ही संदिग्ध को जिला निगरानी अधिकारियों के समन्वय से लोक नायक अस्पताल के आरक्षित वार्ड में रेफर और आइसोलेट किया जाना चाहिए। दिल्ली में मंकी पॉक्स से संक्रमित पाए गए पहले व्यक्ति की हालत स्थिर है। पश्चिमी दिल्ली के रहने वाले 34 वर्षीय व्यक्ति में मंकी पॉक्स के लक्षण देखने के बाद उसे करीब 3 दिन पहले लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में आइसोलेट कर दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक रोगी की हालत स्थिर है। निगरानी दल उसके संपर्क में आए अन्य लोगों का पता लगाने में जुटा है। रोगी को दर्दनाक घाव हुए थे जो मंकी पॉक्स का एक लक्षण है। हमने उसकी हालत का निरीक्षण किया और उसे अन्य बीमारियां नहीं हैं। गाइडलाइन की मुख्य बातें। भारत में अब तक 4 मामलों की पुष्टि हुई है। मंकी पॉक्स के संदिग्ध मामलों की जानकारी देना अनिवार्य है। संदिग्ध मामलों की निगरानी के लिए सभी दिशा निर्देशों का होना चाहिए पालन। लोकनायक अस्पताल के आरक्षित वार्ड में संदिग्ध मरीज होंगे भर्ती। सभी जिला निगरानी इकाई स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करें। संक्रमित व्यक्ति का विदेश यात्रा का कोई इतिहास नहीं है, लेकिन उसने घरेलू यात्रा की थी। वो संक्रमण की चपेट में कैसे आया, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। सूत्रों ने कहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविड अत्यधिक संक्रामक है और संक्रमित व्यक्ति के छींकने पर उसके पास खड़ा व्यक्ति भी उसकी चपेट में आ सकता है। दिल्ली में संक्रमण का मामला सामने आने के बाद देश में संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या 4 हो गई है। इससे पहले केरल में मंकी पॉक्स के 3 मामले सामने आए थे। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।